Malika is in Umbergaon today. So I guess her health is not fine today. That's why she couldn't come. एक दिन में पूरा यहाँ आके वापस जाना पड़ेगा. I had an holiday. बहुत दूर है. दूर तो है, कभी आते ही नहीं आप. भाई नायगांव ज्यादा दूर है. उमरगांव तो फिर भी क्या लंबा रास्ता है, उतना ट्रैफिक आगे नहीं लगता. नायगांव मतलब जहाँ तक पहुँचने तक लास्ट मोमेंट तक ट्रैफिक लगता है. अभी आजकल थोड़ा नायगांव का थोड़ा ये हो गया. सर फर्स्टली वास्तिक प्रोडक्शन को 15 साल पूरे हो चुके हैं, हमें पता है काफी अमेजिंग जर्नी है आपकी वास्तिक प्रोडक्शन से. किस तरह से इस जर्नी को आप देखते हो? मैं मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे स्वास्तिक की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड दे टेक रिस्क, दे डू समथिंग विच इज़ चैलेंजिंग बट विच इज़ नीडेड एज वेल. वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग कर पाते हैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और एक आगे कदम बढ़ाना, बड़ा कदम डालना. आसान नहीं होता है वो, एंड डेफिनेटली आफ्टर कोविड बिल्कुल भी आसान नहीं है. बट जिस हिसाब से यहाँ पे काम किया जाता है, देयर इज़ अ विजन, देयर इज़ अ ड्रीम, और उसके हिसाब से सब चलते हैं और सभी लोग बहुत पैशनेट हैं. और सबसे अच्छी चीज़ है ना ये कि प्रोफेशन से आगे बढ़ के एक इंसानियत है यहाँ जो एक्टर्स को लेके, या मैं एक एक्टर हूँ तो मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ कि वो एक इंसानियत है. आपका ध्यान रखा जाता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द जॉब डन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम एंड एवरीथिंग. बियॉन्ड दैट एक इंसान की अपनी एक वैल्यू, उसकी अपनी एक लाइफ, उसकी अपनी खुशी, सब चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ समथिंग विच विन्स माई हार्ट एंड आई थिंक सो इट डज फॉर मेनी अदर पीपल. सिद्धार्थ जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ सर को सभी विजनरी कहते हैं और वो तो वो हैं ही, और उसके बारे में हम 100 बार बात कर चुके हैं. बट उससे आगे जो वो इंसान है ना, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है. जैसे आपके वो इंसान है, बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है सिद्धार्थ सर. ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी अंडरस्टैंडिंग. ऐसा उनका कभी मैंने नहीं देखा कि वो अपने एक परसेप्शन में और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे. ही ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड न्यू एंड न्यू थिंग्स. वो सबका परसेप्शन सुनते हैं, सबकी एडवाइस लेते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. ही अंडरस्टैंड्स लॉट अबाउट क्रिएटिविटी, अबाउट एक्टर्स, अबाउट हाउ दे वॉन्ट टू वर्क, वॉट दे लाइक, हाउ दे वॉन्ट टू परफॉर्म एवरीथिंग, एंड ही ट्राइज टू डू एवरी सिंगल थिंग पॉसिबल फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव. सेम गोज़ फॉर राहुल सर एज वेल. राहुल सर, सिद्धार्थ सर, दोनों ही ये दो भाइयों की जोड़ी हैं. आई थिंक सो इट्स वंडरफुल. जिस हिसाब से बैलेंस भी करते हैं काम की, क्रिएटिव एस्पेक्ट यहाँ कोई संभालेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहाँ कोई संभालेगा, और बैलेंस करके सबका ध्यान रखते रखते, जो कि आसान चीज़ नहीं है कि सबका ध्यान रख के सबको खुश रखना. इट्स नेवर ईजी, इट्स इम्पॉसिबल, बट द वे दे ट्राई, आई थिंक सो दैट विंस माय हार्ट. बैलेंस की आपने चर्चा की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कितना अपने रोल को बैलेंस करते हो? अगर मैं एस्केप लाइफ का रोल, डाकी का रोल खेलूं, या फिर राधा कृष्ण का कृष्णा का रोल, जी दोनों अपोजिट रोल मुझे दिखता है, दोनों मैं दोनों फेवरेट हो मेरे, तो पहले वो जानना चाहूंगा. बट हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, बिकॉज़ देयर आर टू डिफरेंट रोल्स दैट यू आर प्लेइंग, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. आई गेट इट, इट्स आई डोंट नो हाउ आई मैनेज इट, बट आई जस्ट टेल मायसेल्फ दैट आई हैव टू मैनेज इट. क्योंकि देखिए हम जहाँ से शुरू किए यू नो, हमारी लाइफ ऐसे कभी रही नहीं, मतलब मेरी लाइफ ऐसे कभी रही नहीं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, एक गई दूसरी आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं रहा है. तो जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको कोशिश यही करता हूँ मैं कि 110% दे सकूँ. इट्स नॉट अ वेरी ईजी फील्ड टू वर्क इन, इट्स नॉट वेरी ईजी टू सस्टेन, एंड दैट आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ. सो या, एंड बिसाइड्स दैट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्किंग हार्ड टू स्टे, टू सर्वाइव. आई लाइक वर्किंग, आई लाइक फ्लोइंग इन टू इट. एंड कुछ इंटरेस्टिंग किरदार होते हैं जहाँ काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, वहाँ पे आप बहुत अच्छी लाइफ जीते हो. उसमें आपका जो पैशन होता है वो आपको एक अलग लाइफ दिखाता है. यू नो, नींद नहीं हो रही है, यहाँ से वहाँ भागना ये वो, बट उस चीज़ में, उस थकान में सबसे ज़्यादा आप अलाइव फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पर. सो इट वॉज एन ऑनर, इट वॉज डिफिकल्ट बट इट वॉज एन ऑनर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.